हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक सचदेव और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ फूड फोटोग्राफी के ऊपर। तो मैं उसमें आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपना नॉर्मल फोन यूज़ करके और नेचुरल लाइट यूज़ करके अच्छी फोटो लेके आ सकते हैं अपने इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पास्ता हो चुका है रेडी। मेरे पास ये विंडो है नेचुरल लाइट के लिए। ये डिफ्यूज़र मैं यूज़ करने वाला हूँ, मेरे को क्योंकि यहाँ पे कर्टन नहीं लगा हुआ है। वैसे नॉर्मली अगर हमारे घरों में कर्टन लगा होता तो हम कर्टन भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखो, जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो है ये शीट्स। तो इन शीट्स का मेरे को फ़ायदा ये होता है कि मैंने ऑनलाइन प्रिंट निकाले हुए हैं, तो मैंने ये 8-10 प्रिंट अपने पसंद की और जो मेरे को चाहिए, जैसे ये मार्बल प्रिंट हो गया, ये ब्लैक मार्बल प्रिंट हो गया, एक ही बिल्कुल ही वाइट है, एक ही और ब्लैक स्टोन टाइप हो गया, वुडन हो गया। तो ऐसे मैंने कई तरह के प्रिंट्स निकाल के रखे हुए हैं। तो मैं मेन इनका यूज़ करता हूँ फूड फोटोग्राफी के लिए। जो मैंने बहुत पहले जो असाइनमेंट्स करे थे फूड फोटोग्राफी के, तो मैं उस टाइम बहुत यूज़ करता था इन चीज़ों को। तो आज के लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मैं यूज़ करूँगा ये वाला जो कि है वुडन टेक्सचर में। तो भाई देखो, अपना फूड हो चुका है रेडी। जैसे मैंने अब यहाँ पे इसको ऐसे बना के रखा है कि मैंने डार्क बैकग्राउंड लिया है, तो वाइट प्लेट रखी है, वाइट प्लेट के ऊपर रेडिश जैसे पास्ता दिख रहा है तो बहुत ही अपीलिंग लगेगा। एंड साथ में फोक नाइफ रखा है। मेरे को पता है नाइफ का कोई काम नहीं होता है इसमें, बट फोक रखा है और नाइफ रखा है थोड़ी इस इमेज को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। तो जैसा कि आपको फ्रेम में ही दिख रहा होगा कि अगर हम सिर्फ इतना देखेंगे अगर फ्रेम को, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को लग रहा है कि मैंने किसी वुडन टेबल पर रखा हुआ है, ना कि ऐसे रखा हुआ है। तो देखो, मैं आपको ऐसे कैमरे में पहले दिखाता हूँ कि मेरे कैमरे में क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं देखो, मैं नॉर्मली भी फ़ोटो खींच रहा हूँ ऐसे, तो ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ रही है मेरी, एकदम क्रिस्टल क्लियर और शार्प, और ऐसे सही में ऐसा लगता है कि वुडन टेबल पे है। बस इसमें दिक्कत ये होती है कि हमें लाइट जो हमारी आ रही है, तो ये देख रहे होगे कि आप, ये हाईलाइट बन रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ हटाने के लिए मैं डिफ्यूज़र यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर ये इस पेपर पे रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो ये वुडन टेबल की जगह सही में पता चल जाएगा कि ये पेपर ही है। तो हम टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए डिफ्यूज़र का यूज़ करेंगे। तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं डिफ्यूज़र का यूज़ करके एक बार ही फोटो क्लिक करूँगा ताकि ये वाली हाइलाइट्स मेरी कट डाउन हो जाए। तो एक बार वो चीज़ करते हैं, नॉर्मली अपना फ्रेम बनाऊँगा पहले एंड डिफ्यूज़र का यूज़ करूँगा। मैंने जैसे डिफ्यूज़र का यूज़ करा तो मेरी जो हाइलाइट्स थी वो कट ऑफ हो चुकी हैं एंड जो मेरा फूड मेरे को सबसे दिखाना था वो ढंग से एनहांस होकर दिखेगा। तो गाइस देखो, जो फोटोज मैंने क्लिक करी थी उसमें से मेरे को ये वाली बेस्ट फोटो लगी है, क्योंकि इसमें मेरा सब कुछ प्रॉपर लग रहा था मेरे को। एंड आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने वाइट बॉर्डर्स बाद में छोड़ी हुई हैं, तो मैंने वो छोड़ी इसलिए क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम पर इसको स्टोरी डालूंगा या पोस्ट करूंगा तो मैं उसको आराम से क्रॉप आउट कर पाऊँ, या अगर कोई रोटेशन करनी पड़ेगी तो मैं वो कर पाऊँ। पर आप लोग प्रेफर ये करना कि अगर आप ऐसी फ़ोटोज़ खींचते हो तो अब आप सिर्फ लिमिटेड एरिया लो कि बाहर का बैकग्राउंड बेकार का ना आए। तब हम चीज़ शुरू करते हैं, पहले लाइट सेट करके हाईलाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, शेडोस हल्की सी बढ़ा देते हैं, वाइट भी थोड़ी सी कम। अब मेन चीज़ फूड में, जब भी हम फूड में कुछ चीज़ करनी चाहिए ना, तो हमें मेन चीज़ ये ध्यान देनी चाहिए कि हम उसमें वाइब्रेंस अच्छे से ऐड करें ताकि फूड अपील होए थोड़ा सा। और जैसे आप देख रहे हो कि बिफ़ोर आफ्टर, तो ये फ़ोटो बहुत अपीलिंग लगेगी। फिर अब हम इसकी क्लैरिटी में जाएंगे, क्लैरिटी में जाके भी थोड़ी सी क्लैरिटी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी सी और शार्पनेस आ जाती है और डेप्थ आ जाती है फ़ोटो के अंदर। इसके बाद थोड़ी सी शार्पनिंग ऐड करनी है एंड नॉइज़ रिडक्शन अराउंड 10। तो देखो अब मेरी फ़ोटो कितनी एनहांसिंग और कितनी अच्छी लगने लग गई है। तो अगर आप लाइटरूम ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास एक इनबिल्ट ऑप्शन आएगा प्रीसेट्स का, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको अपना काम इजी करना है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इसमें जैसे कलर क्रिएटिव, ब्लैक एंड वाइट, कर्व, सब तरह के प्रीसेट्स आ रहे होते हैं। तो कलर में जाके आप अगर आप मैट फिनिश लगाओगे तो ये बहुत ही एस्थेटिक फील देता है एक, बट ये फूड को थोड़ा कम एनहांस कर देता है कि इसके कलर्स थोड़े से फेड आउट हो जाएंगे। बट वैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे
तो ये बहुत ही फेडेड और बहुत ही क्लासी लुक देता है फूड की फ़ोटो को। तो इसको अगर हम क्रॉप कर लेते हैं 4:5 के रेशो में, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं, तो मैंने इसको इतना क्रॉप कर लिया है और आप देख रहे होगे कितने इजी स्टेप्स करके और ऐसा सेटअप यूज़ करके मैंने ये फ़ोटो प्रोड्यूस कर दी सिर्फ अपने एक फ़ोन से। तो ऐसी फ़ोटोज़ आप भी अपने घर पे खींच सकते हो अगर आपके पास ये शीट्स अवेलेबल हो जाएं। और मैं फ़ोटोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप ऐसी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो और आप मार्केट में जाके प्रिंट निकलवा लो भले ही ऐसे। एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक फोटोज़ लाइक दीज। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।